अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं वो अभी छत पे और आते साथ ही मैंने एक बुरी चीज़ देखी है, वो ये कि जो मैंने चूज़े निकलवाए थे वो सारे जो हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं। अभी पता नहीं क्या हुआ है, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ देख के। अभी ये मुर्गी अकेली फिर रही है, अभी आके जो ही मैंने इन्हें खोला तो एक जो है वो सामने पड़ा हुआ है, बाकी जो है वो पहले आस्ता आस्ता एक्सपायर हो गए थे, जिनमें से एक कल हुआ, एक परसों हुआ, इस तरह एक एक करके सारे एक्सपायर हो गए। समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं तो काफ़ी इनकी केयर की थी, पर अब अल्लाह की मर्ज़ी। चलो अभी इसे निकालते हैं यहाँ से और इस मुर्गी को भी दाना डालते हैं ताकि ये अपना दाना खा सके। अभी ने खोला हुआ है ये जो मुर्गी है, ये भी 5 अंडे दे चुकी है। इंशाल्लाह ये भी जब कड़ूक होगी इसको भी अंडों पे बिठा के बच्चे निकलवाएंगे। हिम्मत नहीं आ रही जब तक ज़्यादा सारे चूज़े ना निकल आए और पल ना जाए। अभी ने खोला था, इन्होंने अपना दाना पानी तो कर लिया, लेकिन ये जो मुर्गी है ये काफ़ी टाइम से अंडे नहीं दे रही। तो मेरा यही माइंड बन रहा है कि क्यों ना इस मुर्गी को सेल कर दिया जाए, और जिस तरह का हमारा ये चीना मुर्गा है, इस तरह की एक चीनी मुर्गी ला के इसके साथ रखी जाए और फिर उनकी ब्रीड ली जाए। अभी इन्हें बंद भी कर देते हैं क्योंकि ये अपना दाना पानी कर चुके हैं। खोलते हैं, ये माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, अब ग्रोथ भी सही कर रहा है। कुछ टाइम तक ये भी प्रॉपर मुर्गा बन जाएगा। अभी ये हो गया होगा 5-6 मंथ का हो गया होगा तकरीबन, क्योंकि आपको याद होगी कि ये छोटा सा लाया था बिल्कुल। आज मौसम भी काफ़ी अच्छा हुआ है, काले बादलों ने आसमान को बिल्कुल घेरा हुआ है। और आपको याद होगी कि एक और छोटी चूज़ी जो होती थी यहाँ पे अक्सर घूम रही होती थी, वो भी कुछ दिन पहले एक्सपायर हो गई थी, हालांकि ठीक ही बिल्कुल, वो भी उसको तकरीबन ठंड लगी है। वैसे तो आपको पता है कि मैं इनकी केयर काफ़ी करता हूँ, हफ्ते में 1-2 बार मेडिसिन भी इनको मैं देता हूँ ताकि बीमार ना हो। अब ठंड जो है वो ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से थोड़ा छत पर ये सर्वाइव नहीं कर रहे। जो छोटी थी वो, बाकी बड़े जो है वो ठीक है, बड़े सर्वाइव कर लेते हैं। वो छोटी थी बेचारी, तो मैंने कहा वो भी आपके साथ शेयर करूं। वो भी 1-2 दिन पहले जो है वो एक्सपायर हो गई थी, उसका भी मुझे काफ़ी अफसोस है। पहले इन्हें खोला था, इन्होंने अपना थोड़ा दाना कर लिया, वो खोलते हैं। क्योंकि जब ये चार आती हैं तो उन तीन को भगा देती हैं, इस वजह से मैंने उनको थोड़ा पहले खोल दिया था कि ताकि वो अपना डाला खा लें, फिर ये बाद में जाके खाती रहेंगी। अभी आया हूँ छत पे तो अंडा पड़ा हुआ था, इन मुर्गियों में से किसी ने दिया, इसको उठा लेते हैं। अब ये है कि ये भी मुर्गियां अंडे देना शुरू हो गई हैं, अब काफ़ी अच्छा लगता है जब भी आओ छत पे पिंजरा खोलो तो एक आधा अंडा पड़ा होता है। ये सब भी अपने बॉक्सेस में जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई अंडे बच्चे नहीं हुए, पर अभी तक वेट ही है, देखते हैं कब तक ये अंडे देते हैं और फिर बच्चे देते हैं।
इधर भी एक मुर्गी को मैंने बंद किया था, वो अंडे के लिए जगह ढूंढ रही थी, देखते हैं उसने दिया है कि भाग गया। ये मुर्गी अभी अंडा दे के निकली है, चलते हैं ये अंडा भी उठा लेते हैं। शाम हो चुकी है और अभी ये वाली मुर्गियाँ खुली हुई हैं, इनको बंद कर दिया। इधर जो मुर्गी है वो शोर कर रही है, मेरे ख्याल से उसने अंडा दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, अभी इसे खोलते हैं, ये अपनी शाम की डाइट खा ले फिर इन्हें बंद करते हैं। आज तो अंडे ही अंडे हैं माशाल्लाह, अच्छा लगता है देख के जब मुर्गियाँ अंडे देती हैं, क्योंकि इन्हीं के लिए काफ़ी मेहनत होती है कि हमारी मुर्गियाँ जो हैं वो अंडे दें। अल्लाह का शुक्र है कि अभी सारी मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं सिवाय एक को छोड़ के, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये भी अपनी शाम की डाइट खा चुका है, अभी इसे भी बंद करते हैं। बाकी सब ने भी अपनी शाम की डाइट खा ली है। मेरा दिल तो काफ़ी उदास है आज, क्योंकि काफ़ी नुकसान हो गया, काफ़ी टाइम बाद मुर्गी ने चूज़े निकाले थे वो भी एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह अब जो दूसरी मुर्गी है ये कुड़ूक होती है तो इसको भी अंडों पे बिठा के बच्चे निकलवाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी करिएगा और मेरे चैनल देसी वाइब्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।